वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और ख़ुश होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अपनी हफ्ज़मान में रखे तो आज हम अपने हाउस के किचन में बना रहे हैं अफगानी चिकन ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनती है तो हम चलते हैं रेसिपी की तरफ मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है अदरक कटी हुई हरी मिर्च प्याज और धनिया चॉप किया हुआ इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डालूँगी और ग्राइंड कर लूँगी ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए इन सारे मसालों का और ये मैंने साढ़े सात सौ ग्राम चिकन लिया है और इसको इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं अब जो मैंने सारा मसाला ग्राइंड किया था वो मैं इसमें डालूँगी और अब इसी ग्राइंडर में मैं एक कप दही है ये डालूँगी साथ में आधा कप फ्रेश मलाई मैंने ली है ये डालूंगी और इसको हमने बहुत थोड़ा सा ग्राइंड करना है और इसको भी हम चिकन में डाल देंगे ये आधा बड़ा चम्मच नमक का लिया है एक छोटा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च जिसे हम दखनी मिर्च भी कहते हैं ये डाल दी है इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं और इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने की रख दूँगी ये एक छोटा चम्मच मैं सिरका डालूँगी चिकन अलहमदिल्ला मैरिनेट हो गया है तो अब ये कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ अब यह ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन पीसेस डालूँगी और उसको हम फ्राई करेंगे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना हमने ऑयल को क्योंकि ऑयल गर्म हो गया अलहमदिल्ला तो मैं इसमें थो एक एक करके चिकन पीस डाल दूंगी। देखिए अलहदुल्ला सारे चिकन पीस मैंने डाल दिए हैं और ये फ्राई हो रहे हैं जब ये एक साइड से थोड़े से ब्राउन से हो जाएंगे तो मैं इनकी साइड चेंज करूँगी बहुत जल्दी जल्दी साइड चेंज नहीं करनी है तो जो मसाला चिकन पे लगा है वो उतरना शुरू हो जाएगा ये देखिए अलहमद चिकन फ्राई हो रहा है ये देखें कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन से इसका कलर आ गया है देखें ये फ्राई हो गया तो अब मैं बाकी चिकन पीस फ्राई कर लूँगी अलहमदिल्ला सारे चिकन पीस फ्राई हो गए हैं तो मैं ऑयल में जो दही का जो मसाला बच गया था वो डालूँगी और इसको हम पकाएंगे ये जो मैंने दही ग्राइंड जब किया था दही और मलाई डाल के तो एंड पे जो थोड़ा सा बचा था वो दही वो मैंने पानी डाल के वो भी डाल दिया है उसको मैंने फेंका नहीं था और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे वही देखें अलहमदिल्ला दही का मसाला पक रहा है थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें चिकन पीसीस जो हमने फ्राई किए थे वो डाल देंगे और हम इसको पकाएंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखना है इसको हम कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे और देखें अलहमदिल्ला चिकन पक रहा है और साथ ही मैंने कोयला जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि आखिर में हमने कोयले की स्मोक देनी है ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है यहाँ पे एक कुटी भी धनिया और कुटावा जो है ज़ीरा ये डालूँगी हरी मिर्चें डाल दिए यहाँ मैंने दो साबुत को हम पकाएंगे यहाँ पे फ्लेम मैंने हाई कर दिया है ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और हमारा चिकन भी भुन जाए कि अलहमदिल्ला से बस अफवानी चिकन ग्रेवी तैयार होने वाली है तो अब हम आखिर में कोयले का धुआं देंगे कोयला गर्म हो गया था ये इसमें मैं एक इलायची डाल रही हूँ और एक ही मैंने लौंग डाला है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि कोयले का स्मोक जो है वो चिकन में आ जाए ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से अफगानी चिकन ग्रेवी तैयार है बहुत ही मज़े की बनती है आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा